हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास बी ए फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट है हिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर है बी ए फर्स्ट का पार्ट का फर्स्ट सेमेस्टर जो 2021-22 का है। यह एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने तांबा का उपयोग किया था, इसलिए आपका आंसर होगा सी तांबा। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई, यानी द स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं, सी ऑप्शन है, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। तीसरा क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे, यानी विनायक दामोदर सावरकर कहाँ पैदा हुए थे? तो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र है, इसलिए आपका आंसर डी सही है। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन है सी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य के समय से ही माना जाता है, इसलिए आपका आंसर ए सही है। छठा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, इसलिए आपका आंसर ए सही है। सातवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, इसलिए आपका आंसर होगा ए शिव की। आठवां क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, यानी धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, ये ऑप्शन आपका सही है। नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो वह है लोथल, सी ऑप्शन आपका सही है। दसवां क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। ग्यारहवां क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक के हैं, तो वह है धर्म पर, इसलिए आपका आंसर होगा ए। बारहवां क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या 16 है, आपका आंसर होगा सी 16। तेरहवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो वह उसका खोज की गई 1921 में। चौदहवां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो यह सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। पंद्रहवां क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो वह गाय के लिए हुआ है, आपका आंसर बी सही है। सोलहवां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो वह थे व्यापारी, डी ऑप्शन आपका सही है। सत्रहवां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। अठारहवां क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी गिरिवर्ज था। उन्नीसवां क्वेश्चन, 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा बी अंगुतर निकाय में। बीसवां क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद, बी ऑप्शन आपका सही है। इक्कीसवां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो वह महापद्मनंद के द्वारा स्थापित किया गया था। बाईसवां क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त।
23वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना हुआ था, सी ऑप्शन आपका सही है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद प्राचीन सबसे प्राचीन है, तो वह है ऋग्वेद, सी ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, दोस्तों तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे यानी किसके प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के। 26वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था, तो वह था डायमेकस, सी ऑप्शन आपका सही है। 27वां क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, यानी सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था। 28 नंबर का क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। 29वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे। 30वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो वह था तक्षशिला, सी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, वह था बृहदत्त, बी ऑप्शन आपका सही है। 32वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी, बी ऑप्शन आपका सही है। 33वां क्वेश्चन, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगानिस्त भारत आया था। 34 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 35वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 36वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी किस में विश्वास करते थे, तो वो लोग जो है मातृ देवी में विश्वास करते थे। 37 नंबर का क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। 38वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की यानी शिव जी की पूजा करते थे। 39वां क्वेश्चन, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो इसका सही आंसर है ए सर जॉन मार्शल। 40वां क्वेश्चन, चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी, इसका सही आंसर है अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।